देश के प्रथम राष्ट्रपति के हाथ पैर बांधकर बनाया बंधक, लोगों को लग रहा है नागवार। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा के हाथ पैर बांधकर बंधक बनाने का मामला रविवार को तूल पकड़ने लगा। शहर के मध्य नगर पालिका चौक स्थित स्मारक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा लगी है। शहर में सड़क के बीचोंबीच स्थापित प्रतिमा के हाथ और पैर को कपड़े से बांध दिया गया है। यह देखकर लोग आश्चर्य और विस्मय में पड़े हुए हैं। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर राजेंद्र बाबू को किसने और क्यों बंधक बनाया है। इस पर आम और खास सभी लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। बताते चलें कि बिहार दिवस के अवसर पर शहर के सभी स्मारकों को सजाया गया है। नीली बत्ती से स्मारक को जगमगाने के लिए सजावट की गई है और सजावट करने के लिए लाइट लगाने वालों ने राजेंद्र बाबू के हाथ और पैर को बांध दिया है और उसी से लाइट लगाया गया है। यह अलग बात है कि बिहार दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा स्मारकों को सजाया गया है, लेकिन स्मारक को सजाने और लाइट लगाने के नाम पर प्रतिमा को किसी बंदी की तरह बंधक बनाना लोगों को नागवार गुजर रहा है। इस मामले में स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह विद्वान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस मामले में जिला प्रशासन से अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार महतो ने कहा कि स्मारक को सजाने के नाम पर प्रतिमा के साथ जो व्यवहार किया गया है वह काफी अशोभनीय है।